बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जाफर सैन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, कराची के प्लेटफार्म से लोकेशन पे मौजूद हैं हम सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की। आज डेट 23 है। जैसे बैरिय ने 19 मई को बेल्टिंग का ऐलान किया तो उसके बाद कॉल भी काफ़ी हमें रिसीव हुई। बेल्टिंग जैसे हुई है वैसे के वैसे इसके रेट जो हैं वो एक्सीड हो चुके हैं। पहले माइनसिंग में इसकी सेल्स परचेज हो रही थी, अब इसकी जो सेल्स परचेज है ओन पे चली गई है। तो काफ़ी अरसे से इसकी वीडियो भी नहीं बनाई थी, आप लोगों ने नहीं देखी होगी। इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी कुछ हुई खड़ी है, ये हम आपको दिखाते हैं। बाकी जो पार्क की रौनकें हैं सेंट्रल पार्क की वो दिखाते हैं। अब ये देख रहे होंगे काफ़ी बेहतरीन सा पार्क भी हो चुका हुआ है। डहरिया काफ़ी जो है इस पर मेहनत कर रहा है। और बाकी सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट भी देख रहे होंगे। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस हमसे किए गए कि इसकी जो वेस्ट साइड कौन सी बनती है और ईस्ट कौन सी है, जो सेंट्रल पार्क फेसिंग कर रहे हैं तो क्या वो वेस्ट साइड बनती है या नहीं बनती। तो सेंट्रल पार्क को जो फेस कर रहे हैं अपार्टमेंट, उनकी जो वेस्ट साइड है वो नहीं बनती। अब इसी तरफ आपको कैमरामैन दिखा रहे होंगे, देखें सेंट्रल पार्क में काफ़ी रौनकें हो चुकी हैं, जो दरख्त हैं काफ़ी बड़े हो रहे हैं। बहरिया जो मैनेजमेंट है काफ़ी इसकी केयर कर रही है। तो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते जाते हैं। कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से हुई है। मुझे याद है कि 2 से 3 महीने पहले हम इसकी वीडियो बनाने के लिए आए थे, तो उस वक्त ये बिल्कुल जो इसकी क्या नाम है इतने ऊपर ये नहीं आई थी। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल स्टार्ट में थी। अब ये देखें काफ़ी ज़्यादा इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है। अब यहाँ से देखें ये सारे के सारे, अगर आप फेसिंग देखते हैं सेंट्रल पार्क फेसिंग, तो ये फेस बन रही है, तो सूरज हमारी जो है वो बैक साइड पर यहाँ से हो रहा है, तो ये वेस्ट साइड नहीं बन रही है इसकी। बाकी लोकेशन बहुत आइडियल है, ये अंदर भी जाके हम आपको इनका विज़िट करवाते हैं। जो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है काफ़ी कमाल की कंस्ट्रक्शन हो रही है। टावर्स, ये राउंड अबाउट कोई 8 टावर जो हैं वो तामीर हो रहे हैं। और बाकी आगे कुछ और दोस्तों की भी कॉल थी कि हमारे कुछ 13 टावर में आए हुए हैं, किसी का 9 टावर में उन्होंने दिया हुआ है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। आगे जगह पड़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन उसकी होगी। अभी ये जो टावर्स बन रहे हैं उनका हम आपको जो है वो विज़िट करवाते हैं। ये देखिए 8 टावर हैं, ये 8वां टावर है, या आप इसको पहला गिन लें, तो इसकी अभी स्टार्ट हुई है कंस्ट्रक्शन। बाकी कोई 3rd फ्लोर पर पहुँचे हुए हैं जो बाकी इसके जो टावर्स हैं। ये पहला टावर ऐसे देख रहे हैं कि जहाँ अभी स्टार्ट हुआ है, ये अभी इसको देखेंगे आप, काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी क्वालिटी की है, कैमरामैन आपको दिखाएगा इसको। तो अब ये जो फेस कर रहे हैं सेंट्रल पार्क को, तो ये वेस्ट ओपन नहीं बन रहा है, ये ईस्ट ओपन बल्कि कॉर्नर बन जाएगा थोड़ा सा। वेस्ट जो है वो बैक साइड के बनेंगे, और वेस्ट ओपन यहाँ आपके बन ही नहीं रहे प्रॉपर, जो है वो वेस्ट ओपन यहाँ बन ही नहीं रहे, क्योंकि लोकेशन इसकी ऐसी इन्होंने दी हुई है। 8 जो है ये ज़ेर तामीर है, और काफ़ी तेज़ी से इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन जारी है। शुरू शुरू में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जैसे कोरोना की वजह से इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो कुछ रुकी हुई थी, लेकिन अब बहुत तेज़ी से इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी है। जैसे ही बैलेटिंग का ऐलान हुआ तो उसके बाद इसके रेट भी बहुत अच्छे हो गए। स्टिल अभी भी अगर इसकी जो सेल्स परचेज चलती है, अगर परचेजेंगे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि बहरिया में जो अपार्टमेंट है उनके रेट ऑलमोस्ट 9000 पर स्क्वायर फीट से क्रॉस कर चुके हुए हैं। अगर प्राइवेट की तरफ भी जाते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट कोई 8000 पर स्क्वायर फीट से ऊपर ऊपर हमें मिलते हैं, और इनका जब हम हिसाब किताब करते हैं 1100 स्क्वायर फीट हैं, 74 लाख में आपको मिल रहे हैं, यानी जितनी पेड अमाउंट होगी वो आपको देनी पड़ेगी, चाहे 15 लाख है चाहे 29 लाख किसी का पेड है तो वो आपको देनी होगी। साथ अगर कोई ओन डिमांड करते हैं तो ओन, अगर लेवल पे डील होगी तो लेवल पे चले जाएंगे। तो काम बहुत तेज़ी से स्टार्ट है,
तो जिनके हैं बेल्टिंग में नाम आ गए, उनके लिए ये है कि अगर अपने पास रखते हैं तो इनके रेट मज़ीद बहुत ऊपर जाएंगे। और बाकी कोई परचेज़ करना चाहता है तो गुड अपॉर्चुनिटी है, वो इनको परचेज़ करे और एक काफ़ी लो प्राइस में अभी भी आपको मिल रहे हैं। बाकी आगे देखेंगे कि जगह है पड़ी, बाकी जो टावर्स बनने हैं इसके इसकी लोकेशन वाइज ये देखेंगे। सामने भी कैमरामैन दिखा रहा है आपको जगह है पड़ी, और बाकी ये आगे उन टावर्स के आगे हम जगह आपको दिखाते हैं, तो वहाँ भी आगे भी जो है वो जगह है पड़ी। यहाँ से हम टर्न ले रहे हैं, बाकी सेंट्रल पार्क की रौनकें भी आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी इसमें बहरिया मैनेजमेंट जो है वो देखभाल इसकी कर रही है, और इसमें जो ग्रीनरी है बेहतरीन है, दरख्त जो है वो काफ़ी उनकी देखभाल जो है वो हो रही है। और जो 3 महीने पहले हम आए थे इस तरह की लोकेशन इसकी नहीं थी, लेकिन अब बेहतरीन आइडियल लोकेशन हो चुकी है। बाकी सेल्स परचेज़ के हवाले से कोई एडवाइस लेने के लिए या किसी भी किस्म की मालूमात है, जैसे पहले ऑलरेडी आप लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर हमें शेयर किए और हमारे लड़के गए आपको उनकी बेल्टिंग उनकी स्टेटमेंट निकलवा के दी, बेल्टिंग का बताया, अब मज़ीद भी आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद मुफीद मालूमात लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच जी।